हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आज की वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रिएटिव ज़ोन पे। गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट ज़ुहेब, और आज हम लोग बनाने वाले हैं एक नारुतो हेडबैंड। तो इसे हम लोग बहुत बनाना इसको आसान होगा, ये बहुत अच्छा हेडबैंड है। तो आप इसको बना के नारुतो भी बन सकते हैं, और कई सारे ट्रिक हैं, आप कोई कैरेक्टर भी बन जाइए, नारुतो बन जाइए और सास्के और कॉज आप सब जानते हैं। तो बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा सारा का सारा सामान। हमें चाहिए ब्लैक पेपर, एक वाइट पेपर और कैची, जिसे सीजर्स और ग्लू स्टिक। तो बस अभी हमें सारा का सारा सामान साइड में रख देना है, और ब्लैक पेपर को हमें साइड बाय साइड फोल्ड कर देना है। तो अब हम ऊपर को पकड़ेंगे और फोल्ड कर दिया, और ये फोल्ड कर दिया मैंने इसको ब्लैक पेपर को सही से, और ये मैंने फोल्ड कर दिया यहाँ पे। और इसको एकदम स्ट्रेट करना है, क्योंकि हमें गाइस यहाँ से एकदम काटना है, और अगर हम कैची से इसको यहाँ पे काटेंगे तो ये खराब हो जाएगा। तो हमें इसको एकदम सही से काटना है, ठीक है? तो हम यहाँ से अपने हाथ से फाड़ेंगे, जो हमें सिखाया होता है स्कूल में। तो ये मैंने फाड़ दिया, तो गाइस हमने फाड़ दिया, ये दो हिस्से हो गए। अब हम एक हिस्से को फोल्ड करेंगे, और हमने ये फोल्ड कर दिया इसको साइड बाई साइड। फिक्र मत करिए, इसको भी फाड़ना नहीं है पिछले वाली की तरह, वरना आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये फोल्ड कर देंगे हम एकदम सही से, और ये हो गया। अब हम दूसरा लेंगे और उसे भी सेम इसकी तरह फोल्ड कर देंगे। तो ये हम दोनों ने फोल्ड कर दिया हमने, और अब हम इन दोनों को पेस्ट करना है साइड में। तो हमें इसको इस तरीके से पेस्ट करना होगा, और ये मैंने उल्टा कर दिया। हाँ, इसको हम इस तरीके से पेस्ट करेंगे, लेकिन बस अब इन दोनों को खोलना है और एक दूसरे में पेस्ट कर देना है। तो हम खोलेंगे और ऐसे हमें कुछ ऐसा दिखेगा पेस्ट करने के बाद। तो अभी के लिए ऐसा लगेगा। तो हम ग्लू स्टिक लेंगे और इसको खोल दूँ पहले, और ये मैंने इसको बड़ा करो जल्दी से, और ये मैंने इसको यहाँ पे अब हम ग्लू स्टिक डाल देंगे। तो ये ऐसा मैं इसको पेस्ट करा और ये हो गया। तो गाइस, अब ये इसको पेस्ट करने के बाद हो गया। अब इसको थोड़ा सा और ऊपर से हम ग्लू स्टिक से पेस्ट कर देंगे। ये मैं ग्लू स्टिक लूँगा, और ये ऊपर से भी मैंने पेस्ट कर दिया, और ताकि गाइस ये एकदम सही हो जाए। तो ये मैं इसको बंद करके रख देता हूँ, अभी ये ढक्कन लगा देता हूँ। ये हो गया, ये यहाँ से गाइस हमारा हो गया, और अब हम इसको यहाँ से पेस्ट कर दिया इसे हमने। और अब हमें एक काम करना है, अभी बीच के हिस्से में हमारा लगेगा हिडन लीफ विलेज का साइन, और यहाँ पे इस एरिया में लगेगा हिडन लीफ विलेज का साइन। तो अभी इसको साइड में रख देंगे, और वाइट पेपर लेंगे, इसको साइड में रख देंगे, और इसको अब उठाएं वापस उसकी तरह फोल्ड करके काटना है। तो ये मैंने फोल्ड कर दिया है, अब इसको भी हम लोग काट देंगे। इसको एक और बार फोल्ड कर दूंगा, और ये मैं इसको खोला, और अब हम इसको उसकी तरह फाड़ देंगे। तो ये मैंने काट दिया, और अब हम इसको एक फोल्ड करेंगे यहाँ पे एकदम सही से। मैंने इसको फोल्ड कर दूंगा एकदम जल्दी जल्दी फोल्ड कर देंगे, और खोलेंगे अब इसको। अब ग्लू स्टिक से इसको जल्दी से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो तो ये अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हाँ, और अब हम सीधा दूसरी तरफ भी यही सेम स्टेप करेंगे, इसको खोल के यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। तो गाइस, इसको भी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और ये मैंने इसको कर दिया है पेस्ट। और अब सेम लास्ट बार सेम स्टेप करेंगे, तो ये हमसे फिर से इसको सही से पेस्ट कर देंगे। अब दूसरा पेपर लेंगे और उसको देखेंगे कि फिट हो रहा है नहीं हो रहा, तो हम लेंगे इसको कैची लेंगे और इसको काट देंगे। कैसे काट रहा हूँ मैं, सही कर। हाँ, तो अब हम इसको ऐसे एकदम सही से ऐसा काटेंगे ताकि पेपर में पेस्ट हो जाए। तो ये मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, तो ये हमारा कट चुका है। तो गाइज, अब हम ब्लैक स्केच लेंगे, और यहाँ पे हमें देखना है कि राइट में ही होना चाहिए हमारा, लेफ्ट हमारे राइट में होना चाहिए। तो हमारा हिडन लीफ विलेज का एरो, तो मैंने लाइन खींची। अब एक सर्कल बनाएंगे, और ये मैंने सर्कल बनाया, और अब हम यहाँ पे इसको एक और एरो खींच देंगे। ये मैंने सही करा, और ये यहाँ पे एक और एरो खींच दिया। तो गाइस, आपको ध्यान रखना है कि हमेशा राइट की तरफ हो।
तो अब यहाँ पे वो थोड़े से वो लगाएंगे कीले जो उसमें दिखती हैं, और ये मैंने कीले लगा दी, और ये थोड़ा और सही कर देता हूँ मैं इसको, और ये मैंने इसको सही कर दिया। यहाँ पे अब हम इसको कर्व शेप देंगे, तो इस तरीके से मैंने कर्व शेप दे दिया। अब दूसरी तरफ से भी देंगे, तो गाइज ये हम मैंने चारों तरफ से कर्व सा शेप दे दिया। अब हम ब्लैक पेपर स्पेस को हम चिपकाएंगे, तो सेंटर पॉइंट ढूंढेंगे, हमारा सेंटर पॉइंट ये मेंटर पॉइंट ढूंढ लिया। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया जल्दी से फटाफट। मैं यहाँ पे गाइस इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके ऊपर हमारा हिडन लीफ विलेज का मेटल वाला साइन लगा देंगे। अब हमें गाइस इसको अपना सर का साइज लेना है, तो ये हमने पेस्ट कर लिया। अब मैं इसको अपना सर का साइज लेके दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने अपने सर का साइज ले लिया। अब मैंने इसको यहाँ से फोल्ड भी कर दिया ताकि मुझे पता रहे, तो मैंने यहाँ पे इसको फोल्ड करा। अपने सर का इतना साइज है, तो मैं अब यहाँ पे इसको इतना ही ग्लू लगा दूंगा ग्लू स्टिक से, और ये मेरा हिडन लीफ विलेज का, अब मैं इसको यहाँ से बंद कर दूंगा गाइस, और ये हमारा हिडन लीफ विलेज का, अरे उल्टा है सीधा कर, तो ये मैं हमने अपना ठीक कर दिया है, और ये हमारा हिडन लीफ बन चुका है। तो गाइस ये हमारा हेडबैंड बन के तैयार हो चुका है, और ये रहा इसका मेन प्लेट। तो अगर ये आपको अभी सीधा एकदम सही दिख रहा होगा, जब हम बना रहे थे वहाँ पे तो ये आपको उल्टा लग रहा था, तो अभी मैं फ़िलहाल देख रहा हूँ तो मुझे भी उल्टा लग रहा है, लेकिन जब आप पहनेंगे तब ये सीधा होगा। तो हम इसको लेंगे, और ये देखिए कितना इजी स्लाइड हो गया। अगर आप अपने एकदम हेड के हिसाब से इसको चिपकाएंगे यहाँ पीछे से, हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा करना है कि एक इतना उंगली घुस जाए। हाँ तो हम ये मैंने बना दिया है अपना हेडबैंड, ये मैं बालों पर, तो ये मेरा हेडबैंड बन चुका है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी नई 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 या ट्रिक वाली वीडियो मिलती रहे। और हेडबैंड अगर आपको फिर से अगर आपको कोई नई वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करिएगा। तो टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।